पर मैं भेजू कैसे? सर ने वो बंद कर रखा है ना, ओनली ग्रुप एडमिन। आज नेटवर्क में थोड़ी सी परेशानी के चलते बार बार कट रहा था, अब नहीं कटना चाहिए। कोई बात नहीं महोदय। तो चर्चा ये हो रही थी कि हम लोग वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के प्रथम सर्ग, जिसको मूल रामायणम या संक्षेप रामायणम कहते हैं, उसको पढ़ रहे हैं और अभी तक 20 श्लोक पढ़ चुके हैं। एक बार आवृत्ति हो जाए, मूल पाठ को पढ़ लिया जाए ताकि पढ़ना भी आ जाए, और उसके बाद व्याख्या भाग को पढ़ेंगे ताकि जो हम लोग पढ़ते हैं उसका अर्थ भी समझ लें। तो यहां से शुरू करते हैं, श्लोक संख्या 10 के आगे 11 से शुरू करते हैं। आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे से आप लोग बोल लीजिएगा। आवाज स्पष्ट है चिंटू जी? जी महोदय। आवाज आ रही है? हाँ ठीक। समः समविभक्तांगः, समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्, प्रतापवान् पीनवक्षाविशालाक्षो, विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः, लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः, धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च, धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च, प्रजानां च हिते रतः, यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः, यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः, शुचिर्वश्यः समाधिमान्, प्रजापतिसमश्रीमान्, श्रीमान् धातारिपुनिसूदनः, रक्षिता जीवलोकस्य, धर्मस्य परिरक्षिता, परिरक्षिता। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, स्वजनस्य च रक्षिता, जनस्य च रक्षिता, वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो, तत्त्वज्ञो, धनुर्वेदे च निष्ठितः, सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो, सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो, स्मृतिमान् प्रतिभानवान्, सर्वलोकप्रियः साधुः, अदीनात्मा विचक्षणः, सर्वदाभिगतः सद्भिः, समुद्र इव सिन्धुभिः, आर्यः सर्वसमश्चैव, सदैव प्रियदर्शनः, स च सर्वगुणोपेतः, सर्वगुणोपेतः, कौसल्यानन्दवर्धनः,
समुद्र इव गांभीर्ये समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेनो समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसंपन्नम् रामं सत्यपराक्रमम् ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तम् प्रियं दशरथः सुतम् प्रकृतीनां हितैः युक्तम् प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मया चत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् यहाँ तक कल हम लोग पढ़ चुके हैं, श्लोक 22 तक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे 23वें श्लोक को। एक बार इस श्लोक को भी अभ्यास कर लेते हैं। स सत्य वचनाद राजा धर्म पाशेन संयतः संयतः विवासयामास सुतम् रामम् रामम् दशरथः प्रियम् स सत्यवचनाद् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतम् रामं दशरथः प्रियम् तो अब तक क्या हुआ था? पूर्वम दत्तवरा देवी वरमेनम अयाचत। कल दत्तवरा शब्द पर आकर के मैंने कहा था कि दत्तवरा में टाप प्रत्यय है और इसकी व्याख्या होगी दत्तौ वरौ येन तद्दत्तवरः।
जिसको दो वर जिसके द्वारा दिया गया वह दत्तवर है और सा दत्तवरा। यहाँ आकर के हम लोग रुक गए थे और एक कंफ्यूजन की स्थिति सी आ गई थी कि दत्तवरा में वास्तव में है क्या, और जब इसका हम समास देख लेते हैं तब हमारा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि दत्तवरा का वास्तविक अर्थ क्या होगा। दत्तवरा का वास्तविक अर्थ क्या है, दो वर दिए गए थे, दत्तवरा में दो वर का संदर्भ प्राप्त होता है। देवासुर संग्राम का समय था और उस समय क्या हुआ था, कैकेयी साथ में थी और उस समय एक कहानी है, उस कहानी के क्रम में दशरथ ने कैकेयी को वर दिया था और उन्होंने कैकेयी ने कहा था कि इसको अपने पास धरोहर के रूप में आप रखिए, जब अवसर मिलेगा तब हम आपसे ये वर ले लेंगे। वही यहाँ लिखा है कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ से दो वर मांगने की कथा प्रसिद्ध है। क्या कथा है, एक बार देवासुर संग्राम के समय इंद्र ने अपनी सहायता हेतु दशरथ को सादर बुलाया था, ये आप लोग जानते होंगे कहानी। देवराज इंद्र के पक्ष से संग्राम किए थे कौन, दशरथ। शत्रुओं असुरों के बाणों से क्या हो गए थे दशरथ, आहत हो गए थे, घायल हो गए थे। उस रणस्थली में रणयुद्ध में पूरी रात जागती हुई तथा अनेक प्रयत्नों से राजा के कष्ट को दूर करती कैकेयी ने राजा के प्राणों की रक्षा की। उससे अति संतुष्ट होकर राजा ने कैकेयी से दो वर मांगने को कहा था। कैकेयी ने राजा के द्वारा दिए गए दोनों वरों को राजा के पास ही धरोहर के रूप में रख दिया। अब राम के राज्याभिषेक के समय ईर्ष्यालु कैकेयी राजा से उन्हीं पूर्व में धरोहर के रूप में रखे दोनों वरों की याचना की है। और इस घटना का उल्लेख आगे वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में प्राप्त हो जाता है, तो उसी के बारे में यहाँ दत्तवरा शब्द, पूर्वम दत्तवरा शब्द कहा गया है। तो ये कहानी भी साथ में समझ लिए आप लोग, इस प्रकार की कहानी है। कहानी दूसरे प्रकार से भी प्राप्त होती है, उसमें होता है कि उनका रथ टूट गया था, उसके कील निकल गए थे और उसमें कैकेयी ने अपना उंगली लगा करके रथ का संचालन किया था, ये दूसरी भी कहानी मिलती है। दत्तवरा में है दत्तौ बरौ यस्यै सा, जिसके लिए, दत्तौ में द्विवचन है, बरौ में द्विवचन है, दत्तौ बरौ यस्यै, यस्यै जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, तो जिसके लिए दो वर दिया वह जो है दत्तवरा कहलाएगी। ठीक, दत्तवरा। अब आगे के श्लोक में हम लोग चलते हैं, कल तक के श्लोक को पढ़ चुके हैं और प्रसंग आ गया था तो इस दो चीजों को यहाँ स्पष्ट कर लिया गया है। अब 23वां श्लोक है, ससत्य वचनाद राजा धर्म पासेन संयतः विवासयामास सुतम रामम दशरथ प्रियम। आपसे मैंने कहा कि सबसे पहले श्लोक का अर्थ करने के लिए हमें क्या खोजना होता है, किस पद को खोजते हैं श्लोक में, क्रिया को, क्रिया, क्रिया। कोई बता पाएंगे कि इसमें क्रिया कौन है, विवासयामास जो है यह लिट लकार में प्रयोग आया है, विवासयामासतुः। तो विवासयामास लिट लकार का प्रयोग है और प्रथमा एक वचन का है। ठीक, तो प्रथमा एक वचन कर्ता को खोजना होगा, तो विवासयामास स शब्द जो है यह राम के लिए, स शब्द क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम
राजा दशरथ के लिए मुझे, राजा दशरथ के लिए, दशरथ के लिए आया है। दशरथ और सर्वनाम किसके लिए आया है यहाँ पर? दशरथ, दशरथ राजा दशरथ के लिए आया है। तो सह दशरथ, सदशरथ संधि होने से सह वाले विसर्ग का बाद में रू इत्यादि होकर के लोप हो जाता है, स सत्यवचनात् ये बनता है। तो यहाँ सह गुरु जी, इसमें विसर्ग क्यों नहीं आया है? हाँ, इसमें विसर्ग नहीं है सह में। सह में विसर्ग इसीलिए नहीं है कि बाद में एक सूत्र है जो ओ बाद में हो उसको लोप करता है, और दूसरा सूत्र है कौन सूत्र है मानाराम जी? हली सर्वेशाम नहीं, मैं भूल रहा हूँ, व्यंजन संधि विसर्ग संधि कौन है सूत्र? तदो सुलोपो अकोर नये समास से हली। एतत और तत शब्द का चली सु का लोप हो जाएगा। एतत तदो सुलोपो सु का लोप होगा अकोर समास से। हाँ, अककारक एतत और तत शब्द यहाँ पर ककार नहीं है लगा हुआ, ऐसा एतत और तत यहाँ तत शब्द है, इसके सु का लोप हो जाता है अनय समास से। नए समास नहीं हो तो, और हली हल परे होने पर, यहाँ नए समास भी नहीं है लेकिन हल वर्ण बाद में है स, इससे होगा। और कोई है सूत्र जिससे होगा लोप? कौन सूत्र है? तो अच्छी लोपे करके कुछ बात पूर्ण, सो अच्छी नहीं, वो कौन नहीं, वो नहीं आएगा। तब क्या होगा? नहीं नहीं, वो सर वो नहीं आएगा यहाँ पे, वो पाद पूरण के लिए होता है सो अच्छी लोपे ऐसा करके, मुझे मैं भूल रही हूँ सूत्र को। और सोचिए, कौन बताएंगे? मैं कौन सूत्र कह रहा था आपको? हली सर्वेशम। मेरा वीडियो कहाँ चला गया? हली सर्वेशम, उससे क्या करता है हली सर्वेशम सूत्र? क्या करता है वो अपूर्वक य का हल परे होने पर लोप कर रहे, वो भगो अघो अपूर्वस्य योऽशि से वो तो अस परे होने पर करेगा। क्या यहाँ विसर्ग को य आदेश होगा? अवर्ण पूर्वक यदि र हो तो उसको य हो जाता है, और उस य का हली सर्वेशम से लोप हो जाता है, पर वो अधिक बहुता जो है आ के बाद में आने वाले के लिए हम चलिए रेफ को य करता है किससे? अस परे होने पर, अस बाद में है यहाँ पर है। हो भगो अघो पूर्वस योसी, यह अस परे नहीं है, यह अस नहीं है तो यह आदेश होके नहीं लोप होगा। हाँ, हली सर्वेशम से लोप नहीं होगा नहीं। तो आपने जो शुरू में कहा था अकोर नये समासे हली, उससे एतत तदो सुलोपो कोर नये समासे हली, चलिए लोप हो गया, स रह गया। तो स राजा में क्या हुआ है? सह सत्यवचनाद राजा, ये हो गया, स का लोप हो गया, यहाँ सह में विसर्ग शब्द है। तो सह कहा तो दशरथ, सह दशरथ विवासया मास, वनम प्रेषया मास,
वन को भेज दिया, निवास स्थान से पृथक कर दिया उसको। अब यहां पर विशेषण को खोजते हैं, तो क्या है विशेषण? स राजा का विशेषण क्या है? धर्म पासेन संयतः। वो राजा कैसे हैं? धर्म के पास से संयत हैं, बंधे हुए हैं। धर्म के पास से बंधे हुए हैं, ठीक। तो धर्म पासेन संयतः सह राजा दशरथः विवासयामा स। इतना अर्थ हो गया? जिनको न समझ में आवे बताएं। जी महोदय। हो गया। अब प्रश्न उठता है, किसको विवासयामा स, कम विवासयामा स, किनको वनवास दे दिया? राजा दशरथ ने धर्म पास में आबद्ध हो करके वनवास दे दिया। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब किसको दे दिया? तो है प्रियम सुतम, सुतम यहां द्वितीय है, रामम में द्वितीय है, सुतम रामम और प्रियम। प्रिय, प्रियम का अर्थ होगा प्रिय, सुतम का अर्थ हो जाएगा पुत्र, रामम का अर्थ हो जाएगा राम। प्रिय पुत्र राम को, द्वितीय विभक्ति में को, तो प्रिय पुत्र राम को वनवास दे दिया। क्यों दे दिया? कहते हैं सत्य वचनात्, धर्म के अर्थी के लिए मुझे सत्य वचनात्, सत्य वचन के कारण वनवास दे दिया। तो हो गया, इसमें तीन चीजें। एक तो राजा दशरथ का विशेषण है, क्या? धर्म पासेन संयतः, धर्म पास में बंधा हुआ। वो धर्म का पास कैसा है, धर्म बंधन कैसा है, इसके लिए पहले श्लोक में हम लोग कह चुके हैं कि दत्त वरह, उन्होंने वर दे दिया है, वचन दे दिया है, पहले वो वचन दे चुके हैं। और धर्म का स्वरूप सत्य भी होता है, वो बोल चुके हैं एक बार, जब मन हो तब आपका, आप अपने धरोहर को वापस ले सकते हैं, आप वर प्राप्त कर लीजिएगा, मुझसे मांग लीजिएगा। तो इस रूप ऐसा जो धर्म है उससे वो बंधे हुए हैं, माने वागदान हो गया। वागदान शादी में होता है ना, वागदान हो जाता है तो बाद में शादी होती ही होती है, वचन दे दिया एक बार, तो वचन रूपी धर्म पास से बंधे हुए वह राजा दशरथ। एक वाक्य ये हो गया। और दूसरा है अपने प्रिय पुत्र को, प्रियम सुतम रामम, ये दूसरी बात। और तीसरी बात है सत्य वचनात्, सत्य वचन के कारण। हो गया, स्पष्ट हो गया अर्थ या कहीं मिठाई है? श्लोक, श्लोक का अर्थ समझ में आ गया या बाकी है कुछ समझना? समझ में आ गया महोदय, आ गया। अब अर्थ करना कैसे आएगा, इसके लिए थोड़ा कारक समझने की जरूरी है। यहाँ धर्म पासेनों में तृतीया है, धर्म पास शब्द है, धर्म पासेन का अर्थ होगा तृतीया का से होता है, धर्म पास से। और संयतः शब्द में जो है अक्त प्रत्यय है, तो प्रत्यय कुछ ठीक है, बीच बीच में बाधा आ जा रही है आज, और चलिए इसी में पढ़ना है, जुड़ तो जा ही रहे हैं फिर से। तो बात आ गई कि थोड़े हमें कारक और पढ़ना चाहिए, और थोड़े प्रत्ययों को पढ़ लेते हैं, प्रत्ययों के अर्थ को जान लेते हैं तो जल्दी हम समझ लेते हैं। चलिए प्रत्यय को बाद में पढ़ेंगे, और क्रिया तो
यहाँ लीट लकार का भी प्रयोग है, बहुधा लीट लकार का प्रयोग होता है पौराणिक ग्रंथों में इस प्रकार के। और जब हम व्यवहारिक संस्कृत को पढ़ते हैं तो वहां लीट लकार का प्रयोग होता ही नहीं है। परोक्ष लीट, जो कार्य परोक्ष में हो चुका हो, बहुत पहले घटना घट गई हम लोग देखे नहीं, वहां लीट लकार का प्रयोग होता है। तो काव्य ग्रंथों में, विशेष करके ऐसे पौराणिक काव्यों में, लीट लकार का प्रयोग होता है। कोई भी आदमी जब इस प्रकार के वाक्य को देखेगा, विवाह से या मासो जैसे लीट लकार का, तो एक प्रश्न मन में उठता है। और शुरू में भी एक बार इस शंका समाधान किया गया था कि यहाँ लीट लकार का प्रयोग क्यों हुआ है। जो लोग बहुत पहले आए होंगे उनको कहे होंगे कि वहां तो चर्चा है कि को नौसिन सांप्रतम लोके गुणवान लोके अस्मिन लोके, सांप्रतम शब्द का प्रयोग है। इस समय कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें ये गुण हो, और उन गुणों का कथन हुआ, और रामो नाम जनई श्रुतः ये बात आई है, फिर यहाँ लीट लकार का प्रयोग क्यों करते हैं, इसका अर्थ क्या हो सकता है, क्या वाल्मीकि से नारद जी से मुलाकात नहीं हुई है वाल्मीकि की? यदि मुलाकात हो चुकी है तब तो लीट लकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ प्रश्न शेष हैं अभी, और इन प्रश्नों को आप लोगों को भी ढूंढते रहना चाहिए। एक जगह तो ये हो गया था कि एक आदर और सम्मान के लिए लीट लकार का प्रयोग किया जा रहा है। आगे यहाँ पर सह शब्द बार बार आया है, मैंने संकलित कर लिया है और आज या कल आप लोगों को दे दूंगा कि किस सर्वनाम पदों का सबसे ज्यादा प्रयोग यहाँ हुआ है। तो उसका शब्द रूप आप लोग देख लीजिएगा, जो लोग गंभीर रूप से पढ़ना चाहते हो। राजन शब्द से राजा बना है, अकारांत पुल्लिंग दशरथ शब्द है, दशरथ है ये कर्ता में है, स राजा दशरथ प्रथमा एक वचन का है, सत्य वचन से सत्य वचनात हो गया विभक्ति है, प्रिय सुत राम इसमें द्वितीय विभक्ति है, को होता है द्वितीय में, हिंदी में को विभक्ति लिखते हैं, प्रिय सुत राम को विवास मास वनवास दे दिया, तो ये अर्थ हो गया। धर्मपाश से बंधा हुआ वह राजा दशरथ सत्य वचन के कारण अपने प्रिय सुत राम को, प्रिय पुत्र राम को वनवास दे दिया, ये हो गया। अब थोड़ा सत्य वचनात है और राजा है, यहां पर सत्य वचनात राजा ऐसा हो गया है। यदि हम दोनों पदों को अलग अलग कर लेते हैं तब तो कुछ अर्थ जल्दी समझ लेते हैं, और एक साथ होने पर सत्य वचनात राजा ये द्राजा हो गया है यहाँ पर। ये कारण क्या है इसको देखते हैं आगे, और जो लोग व्याकरण की कक्षा में उपस्थित रहे हो वो मुझे जरा बताएं कि यहाँ कौन सी संधि है। सत्य वचनात है और राजा है, और हम यहाँ देख रहे हैं वचनात वाले तो को दो हो गया है, कौन सी संधि है? जस्तु है महोदय, जस्तु संधि है, जस्तु है, तो को दो हो गया है। कोई सवेरे कक्षा में आए हैं, परसों जस्तु संधि पढ़ाया था जी महोदय, तो को दो हो गया, तो सत्य वचनाद हो गया और दौरो मिलके द्रो हो गया है, सत्य वचनाद द्राजा हो गया है। जो लोग व्याकरण के हैं, यहाँ बैठी हुई अभी डिस्कस कर रही थी और बहुत अच्छा शंका समाधान कर देती है, नाम मैं भूल गया उनका, मनीषा थी क्या? मोनिका, मोनिका, मोनिका जी, मोनिका जी, सत्य वचनात में ये पंचमी विभक्ति है, कारण है, और इसमें निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शन इस वार्तिक से पंचमी विभक्ति है। ठीक, और तो कुछ विशेष कहने के लिए नहीं है, आगे चलते हैं देखते हैं। सत्य वचनात का समास यहाँ दे दिया हूं, जब कभी आवश्यकता हो देख लेने से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। और संयतः में अक्त प्रत्यय है,
यहाँ थोड़ा सा और मैं मेहनत करूंगा, धातु का अर्थ भी लिखूंगा, अभी ये काम है। सारे मैंने मूल रामायणम में कितने धातुओं का प्रयोग हुआ है ये भी संकलित करने का है, और यदि कोई मूल रामायणम को तैयार करना चाहते हो तो उनको मैं टेक्स्ट ये दे दूंगा, अभी करीब करीब अभी कुछ अशुद्धियां हैं, वो धातु छांट लें और धातु अर्थ लिख लें, और कैसे लिखेंगे ये भी मैं क्लू बता दूंगा, सॉफ्टवेयर की सहायता से जल्दी जल्दी खोज लेंगे, आसानी हो जाएगी। अक्त प्रत्यय लगा करके यम धातु से अक्त प्रत्यय लगाएंगे तो यतः बन जाएगा, और वो धातु का अर्थ भी वहां दे देता है, इस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। विवासया महास लीट लकार का है और उसमें भी नीच में बना है, इस प्रकार का निजंत रूप है ये। कोष दे दिया, अब आगे चलते हैं। ये श्लोक पढ़ना सीख लेते हैं, बहुत प्रतिज्ञाम है, अनुपालयन है। स जगाम वीरः प्रतिज्ञाम, प्रतिज्ञा को अनुपालयन, दोनों अलग अलग शब्द पढ़ लीजिएगा और फिर मिला के पढ़िएगा, प्रतिज्ञा मनुपालयन। अभी मैं व्याख्या सुना देता हूँ, फिर उच्चारण करना सिखाएंगे, ताकि उस समय आपके ध्यान में ये बात रहे और आपको उच्चारण करने में दिक्कत ना हो। ऐसे ही पितुर वचन निर्देशात, निर्देशात पंचवीं विभक्ति है, और आगे है कैकेयाह, हाँ कैकेयाह प्रिय कारण, तो यहाँ अलग अलग पढ़ सकते हैं। तो वचना निर्देशात, ये देखिए यहाँ है प्रिय कारण, प्रिय कारणात् पंचमी विभक्ति है, और वचन निर्देशात है, वचन निर्देशात है, ये पंचमी विभक्ति के रूप में है। ठीक, अब श्लोक पढ़ना सीखते हैं, श्लोक पढ़ना आ जाए। जी गुरु जी, एक बार मैं पढ़ के देखू क्या होता है। पढ़िए। स जगाम वनम वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेयाः प्रिय कारणात्। निर्देश है ना शब्द, निर्देश, उसी निर्देश से निर्देशात् बना है, कोई कठिन शब्द नहीं है, शब्द समझिए, पितुः वचन निर्देशात्। अब दूसरे कोई लोग पढ़ लें, सीमा आप पढ़ लीजिए जरा। जगाम वनम वीरः प्रतिज्ञाम मनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेया प्रिय कारणात्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आरती तुम पढ़ो। धन्यवाद गुरु जी। आरती का नेटवर्क ठीक रहे तो, हाँ पढ़ो आरती। सजगाम वनम वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेया प्रिय कारणात्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो लोग माइक का उपयोग कर रहे हैं बंद कर लें, केवल बोलने के लिए ही माइक खोल लें। तो आरती सबसे, हम समझते हैं सबसे कम छोटी कक्षा की छात्रा यहाँ पर है और बहुत सुंदर पढ़ी है। शब्दों से जब हम परिचित हो जाते हैं तो उच्चारण भी सुलभ हो जाता है। पितुः पितृ शब्द के पंचमी में पितुः शब्द बनेगा, षष्ठी में पितुः बनेगा, बनेगा जी। पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितृन पित्रा पितृभ्याम पितृभिः पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितृणाम पितुः पित्रोः पितृषु। हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः, पितृ शब्द का रूप है। देखो हमको सब याद रहता है, हालांकि हम लोगों को शब्द रूप याद नहीं होता,
जो लोग व्याकरण के सूत्रों को पढ़ लेते हैं फिर शब्द रूप इस ढंग से बोल नहीं पाते, सोच के बोलते हैं। तो ये पितुह शब्द है और पितुह में जो विसर्ग है इसको र यहाँ हो गया है तो पितुर हो गया है। ठीक, वचन निर्देशात पर ही लोगी, कठिन नहीं है। स जगामो वनम वीरह, स जगामो नहीं पढ़ना है, स हलंत हो जाएगा इसीलिए स पढ़ना है। स जगामो, जगामो, जगाम वनम वीरह नहीं, जगामो। स जगामो वनम वीरह प्रतिज्ञा मनुपालयन। हाँ बोलो। स जगाम वनम वीरह, जगाम फिर कह दी, स जगामो, स जगामो, स जगामो वचन निर्देशात् हम लोग हिंदी बोलने के अभ्यासी है ना, हिंदी में हम लोग अधिकांश जो अकारांत शब्द है उसका उच्चारण हलंत करते हैं और बहुत ऐसे शब्द है बोलते कुछ हैं लिखते कुछ हैं, हिंदी में ये बहुत अधिक शब्द ऐसे मिल जाते हैं। तो संस्कृत जब हम पढ़ने चलते हैं वही संस्कार रखता है, उस संस्कार से बाहर निकलने की आवश्यकता है। तो सजगाम वनम वीरह न पढ़ करके सजगामो वनम वीरह प्रतिज्ञा मनुपालयन पितुर्वचन निर्देशात कैकेय्याः। अब देखो यहाँ दो यो है और दोनों का यदि स्पष्ट उच्चारण कर लिया तो ये बहादुरी है, संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन सही कर। हाँ कैकेय्याः, कई में आई की उच्चारण स्पष्ट, एक उच्चारण, पितुर वचन निर्देशात कैकेय्याः प्रिय कारणात्। पितुर वचन निर्देशात कैकेय्याः प्रिय कारणात्। जगामो पढ़ेंगे क्या? जगामो महोदय, जगामो क्यों पढ़ेंगे इसे? जगामो में ओ है ना, अब जगाम कह देंगे तो मोहलंत, जैसे अनुपालयन तो वैसे ही जगाम हो जाएगा, हलंत वर्ण का उच्चारण होगा ना। हाँ इसीलिए मो में अ है तो जगामो ही पढ़ेंगे, अनुपालयन में नो में और नहीं है। हो गया, अभ्यास कीजिएगा। स जगामो वनम वीरह अंजलि पर ही है क्या इसको? अंजलि फिर से सुनो और सारे लोग कोई नहीं बोलेंगे, अंजलि बोलेगी। हाँ बहुत सुंदर उच्चारण की जी। साजगाम वनम वीरा प्रतिज्ञाम अनुपालयन पितुः वचन निर्देशात कैकेय्याः प्रिय कारणात्। इससे पहले तुम शुद्ध पर ही थी, इससे ज्यादा सामूहिक बोल रही थी, फिर से बोलो। साजगाम वनम वीरा, जगाम फिर बोल दी, जगाम क्षम्यताम महोदय। साजगामो वनम वीरा प्रतिज्ञा मनुपालयन पितुः वचन निर्देशात कैकेय्याः प्रिय कारणात्। बहुत सुंदर। अच्छा अब इसमें क्रिया कौन है श्लोक में? जगामो। अनुपालयन जो है सत्री प्रत्यंत है, गच्छन पठन, तो वैसे ही अनुपालयन जाते हुए पढ़ते हुए लिखते हुए। गीता में एक श्लोक है, श्रीणन स्पृशन जिघ्रन नसनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसर्जन गृहणन उन्मिशन निमिशन नपी, तो वहां सब सत्री प्रत्यंत शब्द है। तो वैसे ही अनुपालयन,
पठन गच्छन श्रीमन कूर्दन। तो ये जो है कल भी बताया था कि यह सहायक क्रिया है जाते हुए, ठीक। और पूर्ण क्रिया कौन है, ये जगामो, लीट लकार का प्रयोग है, जगामो गया जी गुरुदेव। तो कहा जगामो, प्रश्न उठता है कौन गया, तो उत्तर आएगा सह जगामो, वह गया। वह कौन, किसका प्रसंग चल रहा है, वह कौन सह, अब सोच लेते हैं किनको कहा गया जंगल जाने का, राम को, तो सह राम, राम जगामो चला गया। कुत्र गतवान, कहा गए राम, वनम, वनम जगामो, तो सह राम वनम जगामो, वह राम कहाँ चले गए, वन चले गए जंगल को। हाँ, और यहाँ वीरह में भी प्रथमा है, प्रथमा एक वचन, सह वीरह, सह वीरह, यहाँ रामह के जगह वीरह कह देते हैं, सह वीरह वनम जगामो, वह वीर जंगल को चला गया। वीर क्यों कहा राम के जगह पर, हाँ राम भी तो कहते, स जगामो वनम रामः प्रतिज्ञामनुपालयन्, छंद भंग भी नहीं होता, स्पष्ट शब्द भी है, राम नाम भी आ जाता, वीरह क्यों लिख दिया, कोई बताएंगे। हाँ, रामह के जगह वीरह शब्द का प्रयोग क्यों किए हैं यहाँ वाल्मीकि, रामह लिखते, मैं वो नहीं पूछ रहा था महोदय। हाँ, मुझे पूछना कि स जगामो है तो हाँ। सौ में हम लोग तो जैसे हम लोग के लिए होता है, जैसे जहाँ भी लिखते हैं सौ वह के लिए तो सह लगता है, तो विसर्ग होता है, यहाँ भी सह ही है, लेकिन ये भगवान जी के लिए नहीं, नहीं यहाँ भी विसर्ग है, आगे जगामो का जो वर्ण है, अभी आपको विसर्ग संधि नहीं पढ़ाया हूँ और अभी मैं संधि नहीं पढ़ाना चाहता, यहाँ पर यहाँ केवल साहित्य पढ़ाना चाहता हूँ, विसर्ग संधि पढ़ा दूंगा और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, वैसे मैं पीपीटी दे चुका हूं एक बार, शुरू में दिया था, वहां दिया था कौन कौन संधि है, लेकिन सूत्र उसमें नहीं लिखा था, तो ये बता दूंगा जहां जहां सौ के बाद विसर्ग का लोग, ध्वनि स्पष्ट नहीं आ रही है महोदय, अब आई, हाँ हाँ महोदय ठीक है। तो ये विसर्ग संधि है, विसर्ग को रोह करके कहीं यो हो करके कहीं अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, विसर्ग संधि में हम पढ़ा देंगे, ये यहाँ इतने ही जानिए कि यहाँ विसर्ग का लुप हो गया है, ठीक, विसर्ग है, सह शब्द है यहाँ, ठीक। जैसे पहली बार देख रहे हैं ना महोदय, तो इसके वजह से जो है ना कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन में नहीं आइए, सह ही है यहाँ पर, ठीक जी, जी, जी। तो अर्थ स्पष्ट हो गया सह। हाँ, प्रश्न ये था अंजलि कि यहाँ रामह कहते रो में आ की मात्रा अमो आगे विसर्ग, जैसे वी में ई है बड़ी की मात्रा, तो रो में आ की मात्रा, मात्राएं तक मिल जाती, रामह क्यों नहीं लिखा, वीरह क्यों लिख दिया, क्योंकि स वहां राम के लिए प्रयोग हो रहा है इसलिए उनके लिए यहाँ वीरह, नहीं नहीं वो तो नहीं तो जरूरी नहीं है, इसके पहले राम शब्द आता है, दशरथ के लिए सह शब्द का प्रयोग हुआ है, फिर भी दशरथ शब्द है यहाँ, सौ सत्य वचनात राजा, सौ राजा है ना, सौ राजा दशरथ है, यहाँ है कि नहीं, जी जी, ये कारण नहीं है, कारण कुछ और है, कभी जो है कुछ और कहना चाह रहा है वीर शब्द से, यहाँ वीरता है, पिता के वचन को पालन करने की वीरता है, पिता के वचन को, पिता के मान को रखने में वो वीर है, ये एक उनके गुण का कथन है, राम कहते थे ये रहस्य उद्घाटित नहीं हो पाता कि वो माता और पिता की आज्ञा पालन करने में भी वीर हैं, ठीक, इसीलिए वीर है। संधि संस्कृत व्याख्या में
और हिंदी की व्याख्या में या अन्य टीकाकारों ने इस वीर शब्द को लेकर के स्पष्ट किया है कि वीरह अर्थात क्या, कहाँ आया है वीरह, वीरह आदेश पालने वीरह, यह है आदेश पालन में वो वीर है। ठीक हो गया। तो सह वीरह वनम जगामो, यहां तक हो गया। अब क्यों गए, कैसे गए, इसका प्रश्न का समाधान खोजना। तो कहते हैं सह वीरह प्रतिज्ञाम अनुपालयन, प्रतिज्ञाम में द्वितीय विभक्ति, प्रतिज्ञा शब्द में तो प्रतिज्ञा और अनुपालयन शब्द है, प्रतिज्ञा का अनुपालन करते हुए, सत्री प्रत्यांत शब्द है, करते हुए अर्थ होता है सत्री का, हुए अर्थ होगा। तो प्रतिज्ञा का अनुपालन करते हुए बन गए, तो प्रतिज्ञाम अनुपालयन, प्रतिज्ञा का अनुपालन करते हुए, किस प्रकार की प्रतिज्ञा थी, प्रतिज्ञा के अनुपालन में वह चले गए। राजा दशरथ की प्रतिज्ञा थी कि जब आपकी इच्छा हो तब आप वर मांग लीजिएगा, केकेयी मांग ली कि विवासनम च रामस्य भरतस्याभिषेचनम। तो राजा दशरथ की जो प्रतिज्ञा थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वचन जो कहा था कि मांग लीजिएगा, केकेयी भी मांग रही है, वो भी एक माता है और वो वर मांग रही है, पिता वर दे दिए हैं, आदेश हो चुका है, तो ये सारी प्रतिज्ञाएं पहले हो चुकी, केकेयी की भी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, दशरथ की भी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, और उन प्रतिज्ञाओं के अनुपालन के अनुपालन करते हुए वह वीर वन को चले गए। ठीक। और इसमें क्या है, पितुः वचन निर्देशात्, पिता का वचन, पितुः वचन, पितुः में षष्ठी विभक्ति, पिता के वचन के निर्देश के अनुसार, निर्देश से, पिता के वचन के निर्देश से वह वीर प्रतिज्ञा का पालन करता हुआ बन चला गया। और क्या है, के याह प्रिय कारणात्, के कई शब्द से षष्ठी में बनेगा कैकेय्याह, माता केकेयी के प्रिय के कारण, प्रिय शब्द है प्रीति अर्थ में, माँ खुश हो जाए, माँ की प्रीति हो, जो वो चाह रही है वह पूर्ति हो जाए इसके कारण से। ठीक। तो अर्थ स्पष्ट हो गया, केकेय्याह प्रिय कारणात् पितुः वचन निर्देशात् प्रतिज्ञाम अनुपालयन सह वीरम वीरह वनम जगामो। ऐसा भी कर सकते हैं अन्वय, और भी अन्वय कर सकते हैं, प्रतिज्ञाम अनुपालयन कैकेयाह प्रिय कारणात् पितुः वचन निर्देशात् सह वीरह वनम जगामो, ये भी कह सकते हैं सह वीरह कैकेयाह प्रिय कारणात् पितुः वचन निर्देशात् वनम जगामो। संस्कृत में कोई शब्द कहीं यदि रख देंगे अर्थ नहीं बदलेगा। ठीक। तो कभी कभी अन्वय ज्यादा सरल करते हैं, सेंटेंस ठीक बैठ जाए, और यदि शब्दों का अर्थ समझ में आ गया तो शब्द आगे लिख दें पीछे लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर ज्यादा नहीं होता है। हाँ, विशेष विशेषण यदि एक साथ लिखें तो समझने में आसानी हो जाती है। तो अब संस्कृत व्याख्या में चलते हैं। केकेयाह मने कनीयस्याह विमातुः, कह दिया जो छोटी विमाता है, माता है, उनका नाम कैकेयी था, केकेय देश की उपुत्री थी, इसीलिए उनका नाम कैकेयी पड़ा। तो उनके प्रिय कारणात्, प्रिय शब्द का प्रीति अर्थ है, शब्दकोश में जब हम देखेंगे कि प्रिय शब्द का क्या प्रीति अर्थ भी है, प्रिय शब्द के क्या क्या अर्थ होते हैं, एक मिनट देख लेते हैं। नहीं है यहां पर, खैर, प्रिय का अर्थ प्रीति, माता की प्रीति के कारण से
पितुः पिता के जनक राजा दशरथ के वचन के निर्देश से, आज्ञा वचन के निर्देश से, पिता की प्रतिज्ञा जो उन्होंने देवासुर संग्राम में केकेयी को दिया था, वो सारी चीजें का अनुपालन करते हुए, अनुपालन कठिन शब्द तो है नहीं, पालन है और अनुपालन, जैसा कहा वैसे ही करता चला गया, वह आदेश पालन में वीर राम वन को चला गया। ये हो गया। इसमें मुझे ये बताइए आप लोग, जो कौन ऐसा शब्द है जो आपको परेशान करता है और अर्थ समझने नहीं देता है, ऐसा क्या कुछ है, कोई बताएंगे, ताकि मैं उस पर वैसे शब्द पर फोकस करूं, आप श्लोक पर अर्थ जान जाए, कहां कठिनाई होती है? सर्वे शब्द सरला महोदय, आपके लिए होगा, जिनके लिए हो सकता है बहुत के लिए कठिन हो, नहीं समझ पाते हो। महोदय जी, मेरे को तो समझ में नहीं आता, लेकिन ये जो जैसा पीडीएफ बनाया है पीपीटी, इसे तो हमें ऐसा कुछ कोई वर्ड नहीं है कि इसे हम ध्यान से दो बार पढ़ ले अगर नीचे, तो हमें वो भी पढ़ने के लिए आराम से हम पढ़ सकते हैं। वो खतरनाक चीज है, सही में अध्यापन के समय हिंदी लिखना ही नहीं चाहिए, फिर आप हिंदी समझते हैं। अब होना ये चाहिए कि टेक्स्ट को समझना मूल समझ में आ जाए, नीचे न पढ़ना पड़े, तो वो स्थिति श्लोक पढ़िए और अर्थ लग गया, और श्लोक पढ़ते कौन ऐसा शब्द है जहां आपको परेशानी है, जैसे प्रतिज्ञाम अनुपालयन, यहाँ मो और अ दोनों मिल गया है, प्रतिज्ञा अनुपालयन, तो ये हाँ ये शब्द आपको अभी बता दिया, याद रखेंगे, अनुपालयन शब्द अलग है, क्या अनुपालयन शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया? अनुपालयन का एक बार फिर से दोहरा दीजिए। प्रतिज्ञा शब्द तो समझ ही रही हैं, प्रतिज्ञा शब्द का अर्थ हो जाएगा ना, आप प्रतिज्ञा करती हैं ना, तो वही प्रतिज्ञा शब्द है यहाँ जी। और अनुपालन, अनुपालन हिंदी शब्द है, अनुपालन करना, कोई अध्यापक आपको निर्देश देता है, कहता है, और आप जी, उसका जी। क्या करते हैं, अनुपालन करते हैं, एक शब्द है पालन करना और अनु उपसर्ग है उसमें, तो अनु उपसर्ग पश्चात होता है, अनु का अर्थ क्या होता है, बाद में, पहले निर्देश दिया जाता है और उसके बाद जिसका पालन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, अनुपालन। हाँ, सर्कस में हाथी घोड़े जो पशु पहले होते थे, अब तो रोक लग गया, उसको निर्देश, या अभी कुत्ता लोग पालते हैं तो उसको क्या करते हैं, निर्देश देते हैं, बैठ, तो जो निर्देश दिया गया उसका वो अनुपालन कर लेता है, यही है जी गुरुदेव। हाँ, और अनुपालयन केकेई के प्रिय के कारण, केकेई की प्रीति के कारण, केकेई की खुशी के कारण, खुशी उर्दू शब्द है, पिता के वचन के निर्देश से प्रतिज्ञा का अनुपालन करते हुए वह वीर वन को चला गया। चला गया। अब यहाँ पर अनुपालयन सत्री प्रत्यांत है, अब ऐसे जगह के लिए तो हम नहीं कुछ कहेंगे, अनुपालयन अनुपाल सत्री प्रत्यय है, निर्देश शब्द तो हिंदी में प्रचलित है, कोई नहीं, तो कुछ प्रत्यय यदि और पढ़ लेंगे, आपको 60% तक समझ में आ गया, इसमें 80% तक समझ में आ गया होगा, भावार्थ लग गया, 100% नहीं पहुंचेंगे तब तक जब तक कि आप हर प्रत्यय और प्रत्यय का अर्थ क्या है वो न समझ जाएं, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, बैकग्राउंड में थोड़ा व्याकरण हो तो सीधे समझ जाते हैं। अब
समय पूरा हो गया है, श्लोक बड़ा है, इसको पढ़ दिया जाए या छोड़ दिया जाए? पढ़ दिया जाए महोदय। पढ़ेंगे दिया जाए गुरुजी? कल पढ़ लीजिए, क्योंकि सोते सोते आप लोगों को भी 15-20 मिनट हो जाएगा, और आराम आराम से पढ़ना चाहिए, ज्यादा भी पढ़ लेंगे तो भूल जाएंगे। तो कल 25वां श्लोक कल पढ़ेंगे, इसी तरह लगे रहेंगे तो 100 श्लोक पढ़ लेंगे। और एक बार पढ़ने के बाद पूरा स्पष्ट नहीं होता है, एक बार फिर से इसको यदि पढ़ लें दोबारा तो और स्पष्ट हो जाता है। उस समय थोड़ा एडवांस कोर्स लेके चलेंगे, और एडवांस में चलेंगे। अभी कुछ चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, बोझिल न हो जाए। ठीक है, तो अब प्रार्थना कोई लोग कर लें, और इसके बाद हम लोग यहाँ से विदा हो जाएंगे। ठीक, शांति मंत्र हो जाए क्या महोदय? हाँ, शांति मंत्र ही कर लीजिए। कल एक सूचना और दे दूं, क्या कल सवेरे व्याकरण की कक्षा लूं या परसों लूं? विसर्ग संधि थोड़ा सा बताना है। वैसे मैंने एक लिंक शेयर किया है, पहले मैं लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ा चुका हूँ, संधि का लिंक दिया था, यूट्यूब का दिया था, और वहां यदि खोजेंगे तो विसर्ग संधि का मिल जाएगा, वहां से भी सीख सकते हैं। थोड़ा वो कठिन है, पारंपरिक है वो संस्कृत का, और आप लोगों को जो मैं बताता हूँ बहुत सरल बताता हूँ, जो बिल्कुल संस्कृत न पढ़े हो उसके लिए बताता हूँ, तो जैसा सोचें वैसा कर दूं। संधि का देखे थे महोदय, अच्छा लगा था, क्या एक बार और देख लेंगे तो याद हो जाएगा। वहां देख लीजिए गुरु जी, आसानी वाला भेजिए, आसान जिससे पढ़े। वो तो पढ़ाता हूँ ना, सवेरे पढ़ाता हूँ, अभी विसर्ग संधि बाकी है। कल की कक्षा होगी गुरुजी? कल सवेरे कक्षा नहीं करेंगे, अभी मैं उसकी तैयारी नहीं कर पाया हूँ। अभी मूल रामायणम में भी लिखना बहुत बाकी है, इसको भी लिखते रहता हूँ, तो कल सवेरे कक्षा नहीं करेंगे, अभी मैं ग्रुप में लिख देता हूँ व्याकरण की कक्षा कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे कक्षा। रामायण की करेंगे महोदय? मूल रामायणम की कल नहीं होगी, आज सोमवार है, मंगलवार को कक्षा नहीं होगी, बुधवार को होगी, बुधवार को होगी, शनिवार रविवार, हाँ शनिवार रविवार को फिर। ठीक है, बोलिए कोई मंत्र कोई श्लोक। सर्वे भवन्तु, नहीं एक सर्वे भवन्तु दूसरा बोलिए। हाँ मनीषा, मैं कोई भी स्तुति नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ गुरु जी। हाँ बोलिए, कहाँ से याद करते हैं गुरु जी, इसका कुछ सोर्स बता दीजिए। मारुतुल्यवेगन्तेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् धन्यवाद। प्रणाम गुरु, प्रणाम प्रणाम गुरु जी, प्रणाम प्रणाम। शुभ रात्रि महोदय, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। जय श्री राम महोदय।